कि अगर आप पाकिस्तान की मदद लेके इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो ये मत भूलिएगा, हम आपके घर में घुस के, आपके उस देश में घुस के उन एक एक एलिमेंट्स को चुन के मारेंगे, लेकिन हम भारत के ऊपर किसी मारा गया कहां पे या निज्जर मर गया कहां पे, कनाडा में, निज्जर मर गया कनाडा में, he was a Canadian terrorist. तो ये क्राई फाउल करने लगते हैं कि अरे अरे हमको भारत सरकार ने के एजेंटों ने मार दिया, तो ये इनका एक मॉडस ऑफ, तो ये सब एक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान कर रहा है भारत में, प्रॉक्सी वॉर है भारत पाकिस्तान की भारत में। कश्मीर में ये फेल हो गए क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर नॉर्मलिसी की तरफ गया, तो इनको एक और फ्रंट चाहिए। पता है सबको, पता है टोरंटो के अंदर किन किन के महल है सबको पता है, लंदन में किन किन की प्रॉपर्टी है इनको सबको पता है। ये सिर्फ नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं है, बाकी ये सब कुछ है, सब कुछ है। और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए रॉ ने अपना कार्य चालू किया मोसाद से, जाहिर सी बात है। हाल के दिनों में खालिस्तानियों को, चाहे वे छुपकर पाकिस्तान में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों या यूके में बैठे हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गैंगवार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे ISI ही साफ कर रही है, और जो नया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद मिलकर यह सब कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान की पूरी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ISI ऑफ पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा को ये काम सौंपा था। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद जो है कश्मीर में अपना इनिंग्स खेलने के बाद पंजाब में बहुत समय से व्यस्त है खालिस्तान के टेररिज्म को बढ़ावा। और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए रॉ ने अपना कार्य चालू किया मोसाद से, जाहिर सी बात है मदद ली। आज की डेट में बशीर अहमद पीर नहीं बचा, आज की डेट में हरविंदर सिंह रिंडा ये पाकिस्तान के अंदर भी पिछले चंद महीनों में ही मारा गया, और साथ ही में सैयद रजा खान जो था वो भी पिछले चंद महीनों में अवतार सिंह खंडा, साथ ही में निज्जर, साथ ही में परमजीत सिंह पंजवार, ये जितने भी लोगों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, आपने एक बड़ी क्लियर कट चीज ऑब्जर्व करी होगी कि इनमें से कोई भी नहीं मारा गया कहां पे या निज्जर मर गया कहां पे, कनाडा में, निज्जर मर गया कनाडा में, ही वाज अ कैनेडियन टेररिस्ट, साफ सीधी बात है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है, लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज, लेट्स नॉट सैंक्टिफाई दिस होल आइडिया ऑफ खालिस्तान, लेट्स नॉट लीगलाइज इट। इसको कोई महान बना के, कोई संत महात्मा के लेवल पे मत ले जाओ खालिस्तान को, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कर कह रहे हैं लोग भाई। और पन्नू जब तू सड़क पे चलेगा ना बेटा, तो पीछे देख देख के चलना, जस्ट बी श्योर, ठीक है। न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी सेफ सिटी, इतनी सेफ नहीं है न्यूयॉर्क, कहीं मगिंग वगिंग हो जाए तेरी, ध्यान रखना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। मुझसे कहते हैं खालिस्तानी, मेजर साहब हमें पता है तुम कहां रहते हो, बेटा जी हमें भी पता है तुम कहां रहते हो, ठीक है, हमें भी पता है तुम कहां, हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो राइवलरी है वो राइवलरी इन हत्याओं के पीछे है, और उस वो केवल राइवलरी नहीं है, सुप्रेमेसी के लिए जो रेस होती है ना, जो गैंग वार होती है कि एक गैंग है खालिस्तानियों का, एक गैंग दूसरे गैंग से बड़ा बनना चाहता है। क्यों बड़ा बनना चाहता है? क्योंकि मनी और रिसोर्सेज, जो डोनेशंस आते हैं उन रिसोर्सेज पे किसका कब्जा होगा, केवल उसकी लड़ाई है। लेकिन सर अभी जिस तरह से निज्जर मारा गया, खांडा मारा गया, और हमने देखा कि हंगामे जो इन्होंने किए उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई, तो क्या आपको लगता है कि इनके मारे जाने के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, या ये कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो है थोड़े ज्यादा सक्रिय हो गए हैं? देखिए हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसमें तो ये कहा जाता है कि रॉ आजकल एक्टिव हो गई, सबको पता है टोरंटो के अंदर किन किन के महल है सबको पता है, लंदन में किन किन की प्रॉपर्टी है इनको सबको पता है। ये सिर्फ नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं है, बाकी ये सब कुछ है, सब कुछ है।
उनको सारा पता है जो माजी में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं चिड़ी पार नहीं मार सकती इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये कि पाकिस्तान के बारे में बात नहीं सोचना, नहीं सोचना, क्यों सोचना, क्या जरूरत सोचना। और खासकर फैसला करने वाले खुद जलंधर और अमृतसर से आए हुए हैं, जलीलो ख्वार होते हुए मेजॉरिटी में से, संताली के विक्टिम है ये सारे मेजॉरिटी में से जितने रूलर और रूलिंग एलीट, फिर भी पाकिस्तान से प्यार नहीं, फिर भी पाकिस्तान नहीं बचाना। इसका जवाब मुझे मेरी समझ से बाहर, मेरी तो एंड हिस्ट्री एक इधर की थी भी, वो तो इधर इधर से, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख किसी बात का, नेशनलिज्म ही कोई नहीं है, नेशनलिज्म पता नहीं। हम ये चीज जानते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ये तीन ऐसे देश हैं जो कोई कसर भारत को तोड़ने में नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने इन चंद ऑपरेशंस के थ्रू एक मैसेज बहुत क्लियर कट दे दिया है इन तीनों देशों को कि ब्रिटेन, कनाडा और साथ ही में अमेरिका, कि अगर आप पाकिस्तान की मदद लेके इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो ये मत भूलिएगा हम आपके घर में घुस के, आपके उस देश में घुस के उन एक एक एलिमेंट्स को चुन के मारेंगे, लेकिन हम भारत के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। ये मैसेज इन सारे देशों को बहुत क्लियर कट जा चुका है कि भारत किसी भी तरीके से कोई खालिस्तान की मूवमेंट का रिवाइवल होने नहीं देगा, और क्योंकि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग इन लोगों का एजेंडा चला रहे हो, तो ये याद रखिएगा घर में घुस के एक एक उस एलिमेंट को ढूंढ के इस प्रकार से मारेंगे कि इनको तो छोड़ो आपका एजेंडा भी हम चलने। राइट right? पंजाब में तुम्हारा घर कहां पे? वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू सो कॉल्ड फेक फ्रॉड 420 खालिस्तानी, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया मैं, इतना मत उछलो, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ बहुत लंबा है बेटा, वहां से घसीट के लाएंगे, कॉलर पकड़ के तुम्हारा, और यहां पे जेलों में छोड़ोगे तुम, अभी तुम देखना प्रोसेस शुरू हो गया है, और एक एक मुल्क से हिसाब मांगेंगे। इनको क्या चाहिए? भारत से पैसा चाहिए ना, धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए भारत से? बिजनेस, पैसा। यूके को क्या चाहिए? पैसा। कनाडा को क्या चाहिए? पैसा। ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए? खजूर हमारे पास है। अब हमारे एनएसए जो हैं, अजीत डोवाल साहब, वो बोलेंगे भाई तुम्हें भारत को सामान बेचना है ना इतने अरब डॉलर का, ठीक है, जरा ये जो ये गंदे गंदे है ना, ये पन्नू शनू टाइप के गंदे मेले शक्लों वाले, जरा इनको जरा भेजना। वो कहेंगे नहीं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर कहना सुन बेटा पैसे चाहिए ना तेरे को, नोट चाहिए ना, यस पापा नोट चाहिए, नोट चाहिए तो फ्रीडम फ्रीडम सब अपने जेब में डाल, और औकात मेरे बेटा बाप से ऐसे बात नहीं। इजराइल हर समय भारत की मदद करते रहता है, और इजराइल का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक पाकिस्तान भी है, इसलिए अब इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को भारत की खुफिया एजेंसी राह के साथ मिलाकर एक ऐसा तहलका खेज कारनामा अंजाम दे रहा है जिससे अब खालिस्तानी और उनके आका आईएसआई सभी धीरे धीरे जमपुरी को प्रस्थान कर रहे हैं। भारत के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी तो काम कर ही रही है, साथ ही बाहर भारत के बाहर बैठे, चाहे यूके में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी देश में हो, वहाँ पर मोसाद भारत की मदद कर रहा है, और यह अजीत डोभाल का एक मास्टर प्लान है ताकि आईएसआई और खालिस्तानियों के गठजोड़ को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।